नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों, हम लोग यहाँ पर हमेशा की तरह हिंदी का फुल टेस्ट लगाएंगे और ये टेस्ट पेपर आपका 2018 में पूछा भी गया है। तो यहाँ पर जितने बच्चे जुड़ चुके हैं सभी बच्चे वीडियो लाइक कर दें, शेयर भी कर दें और नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। आवाज़ आ रही है हमारी? आवाज़ आ रही है? क्लियर है? क्लियर है? चलिए, तो यहाँ पर आपका पूछा है गद्यांश, ठीक है, गद्यांश। और गद्यांश को सॉल्व करने के लिए हमने आपको बताया है कि दो सिस्टम होते हैं, एक होता है ऑनलाइन सिस्टम, और ऑनलाइन सिस्टम में होता है आपको पहले पढ़ना ही पड़ेगा तभी आपको प्रश्न आपको दिखाई पड़ेंगे, ठीक है। और ऑफलाइन होता है, ऑफलाइन में जो आपका होता है तो आपको गद्यांश भी होता है और नीचे आप देख सकते हैं। तो इसमें से कुछ गद्यांश ऐसे होते हैं जो कि आपकी लाइफ से जुड़े हुए होते हैं, जिनके आंसर आप ऑटोमेटिक कर सकते हैं। तो अगर आप प्रश्नों से स्टार्ट करते हैं तो आसानी से आप सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। लेकिन कुछ गद्यांश होते हैं जिनको आपको पढ़ना ही पड़ेगा और इसके बाद उसका आंसर लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये तो आप अपने मन से ही करते हैं, हम कितना भी बता दें लेकिन आप लोग अपने मन से ही करते हैं तो कोई बात नहीं, हम यहाँ पर स्किप कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपके जो कह सकते हैं कि आपके गद्यांश दिए हैं इसको हम यहाँ पर स्किप कर देते हैं और इसके बाद हम आते हैं जो कि देखिए यहाँ पर ये वाला पॉइंट जैसे आपका दिया है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका दिया है अरंड का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो आपको ये तो अर्थ पता होगा ना, तो आपको गद्यांश में देखने की जरूरत भी नहीं है, आपका आंसर हो जाएगा बी, है ना, जंगल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं, जैसे कि आपका दिया है यत्न से आशय क्या है, यत्न से आशय क्या है, तो यत्न से आशय क्या होता है आपका यहाँ पर कह सकते हैं प्रयास, ठीक है। इसका मतलब अगर गद्यांश भी ना पढ़ें तब भी आंसर आप लगा सकते हैं, इसीलिए हम बोलते हैं कि सबसे पहले आप प्रश्न पढ़ लिया करिए ताकि आपको पता चल जाए कि हमारा टारगेट क्या है, हमको आंसर क्या निकालना है। और अगला आपका दिया है गद्यांश में किसकी महिमा का वर्णन है, तो इस प्रकार के प्रश्न को आपको गद्यांश बिना पढ़े आंसर नहीं लगा सकते हैं, तो इस प्रकार से सॉल्व करते हैं आपके गद्यांश को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो कि गद्यांश से ही है, यहाँ पर आपका अगला दिया गया है जो कि यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अगर आपसे शासकीय पत्र के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है, शासकीय पत्र के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है यहाँ पर, तो यहाँ पर आपका पत्र के सबसे ऊपर पत्र संख्या लिखते हैं, बात सही है आपकी। दूसरा, पत्र संख्या के ऊपर तिथि लिखी जाती है, तो भाई पत्र संख्या के ऊपर तिथि लिखी जाती है ऐसा होता है उसके आपके कह सकते हैं बाएँ साइड होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ऑप्शन राइट आपका जो हो जाएगा वो भी आपका ये कह सकते हैं आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा बी नंबर, ये आपका गलत है यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि यदि कोई पत्र सभी संबद्ध कार्यालयों को प्रेषित किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, तो ये प्रश्न आप देखते हैं कि डेली का डेली लगभग मिलने लगा है और ये प्रश्न आपका टफ हुआ करता था लेकिन अब आपके लिए इजी हो चुका है। तो यहाँ पर ऐसे जो पत्र होते हैं जो एक कार्यालय के द्वारा चारों तरफ आपके प्रेषित किए जाते हैं तो उनको हम लोग बोलते हैं परिपत्र, क्या बोलते हैं, परिपत्र बोलते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्न में से दीर्घ स्वर कौन सा है, दीर्घ स्वर कौन सा है, और ये क्वेश्चन आपके 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था जो कि काफ़ी बच्चों ने गलत किया था। यहाँ पर आपका दीर्घ स्वर पूछा है, तो याद रखिएगा कि जो आपका छोटा आ होता है, ठीक है, बड़ा आ हो गया, ठीक है, तो ये जो आपके होते हैं ये आपके आते हैं किस में, आपके दीर्घ स्वर में आते हैं। अब यहाँ पर ए है, ए है, ओ है, ये जो आपके होते हैं इनको संयुक्त स्वर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, संयुक्त स्वर बोलते हैं। तो इस प्रकार से जो आपका सही जवाब हो जाएगा दीर्घ स्वर आपका कौन है, ये है। हाँ, अब काफ़ी बच्चों को दिक्कतें ये आ रही हैं कि सर हमने तो दीर्घ स्वर में सभी पढ़े हैं, तो भाई आपने दीर्घ स्वर में ज़रूर पढ़े हैं लेकिन जो छोटा प्लस छोटा बराबर क्या होता है, बड़ा होता है, छोटी प्लस छोटी बराबर क्या होता है, बड़ी होती है, होती है ना। तो ई वाले जो स्वर होते हैं इनको हम दीर्घ स्वर बोलते हैं, लेकिन जो आपका जैसे ए है तो आप लोग संधियों में पढ़ते हैं कि आ और इसको मिलाने से ए बनता है, ऐसे पढ़ते हैं, तो इस प्रकार से ये जो होते हैं इनको संयुक्त स्वर बोलते हैं। तो याद रखिएगा कि संयुक्त स्वर आपके ये हैं और ये आपका यहाँ पर दीर्घ स्वर है। आई होप आपको ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा क्योंकि ये प्रश्न आपका पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है, ठीक है। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया है, देख लिए यहाँ पर आपका दिया दीर्घ स्वर कहते हैं आ ई ऊ, यहाँ तो देखो बता दिया है लेकिन हमने जो बताया इनको संयुक्त स्वर बोलते हैं, इनको आपको छोटा जो आपका बड़ा होता है बड़ी होती है इनको हम लोग दीर्घ बोलते हैं, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि निम्न में अंतःस्थ व्यंजन कौन सा है, अंतःस्थ व्यंजन पूछा है, जवाब दीजिए सभी लोग साथ में दीजिए। तो अंतःस्थ व्यंजन आपका हो जाएगा जो कि आपके पेट से निकलता हुआ प्रतीत होता है, अर्थात या वाला या रावा वाला होता है, और ऑप्शन आपका डी हो जाएगा यहाँ पर, या हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका या रा ला हुआ ये होते हैं आपके किस में, आपके अंतःस्थ व्यंजन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्न में महाप्राण व्यंजन कौन सा है, महाप्राण व्यंजन कौन सा है यहाँ पर, चलिए यहाँ पर आपका जवाब क्या हो जाएगा महाप्राण में, तो देखो महाप्राण आपका क्या होता है जो आपके कह सकते हैं
जो आपके सम स्थान रखते हैं, जैसे आपका दिया है का, खा, गा, घांगा, तो जो विषम स्थान होते हैं वो अल्पप्राण होते हैं, जो सम स्थान होते हैं वो आपके क्या होते हैं, महाप्राण होते हैं। तो यहाँ पर जो महाप्राण है वो आपका हो जाएगा आपका ऑप्शन राइट, यहाँ पर आपका सी नंबर। जो आपका भा है यहाँ पर आपका कह सकते हैं हो जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि निम्न में अघोष वर्ण कौन सा है, अघोष वर्ण आपका कौन सा है। तो भाई अघोष वर्ण क्या होते हैं, जो आपके वर्ग होते हैं उसके पहले और दूसरे अघोष होते हैं और तीसरे, चौथे, पांचवें आपके सघोष होते हैं। तो इसके अनुसार देखिए पा फा भा, अर्थात जो आंसर आपका ए है ये आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, तो आपका अघोष हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि निम्न में कंठ वर्ण कौन सा है, कंठ वर्ण आपका कौन सा है यहाँ पर। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो आपका छोटा और बड़ा होता है इसको भी हम लोग का के साथ यूज करते हैं, अर्थात यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा। तो छोटा, बड़ा, का, खा, गा, घा, अंगा और हा जो होता है उस व्यंजन, इसको भी हम लोग किसमें, तो आपके कंठ में भी रखते हैं। तो इस प्रकार से ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द बताइए, रूढ़ शब्द बताना है। और रूढ़ शब्द होता है ऐसा शब्द जिसका हम लोग खंडन न कर सकें, अर्थात उसका आपका सार्थक खंड नहीं होता है। तो सार्थक खंड जो आपका नहीं होता है अर्थात आपका कौन सा होगा, तो सार्थक मतलब उसका अर्थ ना निकले। तो यहाँ पर देखो दूध वाला, घुड़ सवार, लंबोदर, इनके अर्थ निकल रहे हैं। लेकिन अगर इसे हम तोड़ दें, इनको अगर तोड़ दें तो इन तोड़ने में इनके अर्थ निकलेंगे, लेकिन इसका अर्थ नहीं निकलेगा नाक का। तो ना और का का कोई अर्थ निकलेगा, अलग अलग नहीं निकलेगा ना। तो इस प्रकार से आपके होते हैं रूढ़ शब्द जिनका हम लोग सार्थक खंड नहीं कर सकते, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि रत्नाकर का संधि विच्छेद होगा, रत्नाकर का संधि विच्छेद। तो भाई रत्नाकर का अगर संधि विच्छेद करेंगे तो आपका तोड़ेंगे कैसे, रत्न धन आकर, कैसे तोड़ेंगे, रत्न धन आकर तोड़ेंगे, अर्थात छोटा आप प्लस आपका बड़ा। तो इस प्रकार से ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर ये हो जाएगा, आपका ये बन जाएगा रत्नाकर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि प्रतिमान में समास बताइए, प्रतिमान में समास क्या है। तो देखिए इस समास में आपको दिख रहा है प्रति, और जिसमें प्रति लगा होता है वो आपका अव्यय होता है, अव्यय मतलब उपसर्ग होता है। तो यहाँ पर आपका कह सकते हैं ये आपका कैसा है, अव्ययी भाव समास है, ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, देखिए जैसे आपका यहाँ पर प्रतिदिन है तो प्रति लगा है, प्रतिमान है तो प्रति लगा है, आजन्म में आपका अशब्द लगा है, अर्थात यहाँ पर ये शब्द जो लग जाते हैं वो आपके अव्ययी भाव समास में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं, कह रहे परिक्रमा में उपसर्ग बताइए, परिक्रमा में उपसर्ग बताना है, 166 जवाब दीजिए। तो यहाँ पर आपका परिक्रमा में जो आपका हो जाएगा कौन सा, तो ऑप्शन राइट आपका जवाब हो जाएगा आपका डी नंबर, यहाँ पर परि उपसर्ग लगा हुआ है, कैसा है, परि उपसर्ग लगा हुआ है, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। भलाई में प्रत्यय बताइए, भलाई में प्रत्यय कौन सा है, भलाई में तो भलाई, तो इसका मतलब अगर इसे हम तोड़ेंगे तो भला और आपका बड़ी ई निकलेगा। यहाँ पर आपका देखो यहाँ पर भला जो भल शब्द आपका आई हो जाएगा, यहाँ पर भला ई, यहाँ पर कह सकते हैं कि जो आपका लगेगा आई शब्द आपका लग जाएगा, तो आपका कौन सा ऑप्शन राइट, यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा बी नंबर, आई आपका यहाँ पर कह सकते हैं क्या हो जाएगा, प्रत्यय हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि निम्न से कौन सा तत्सम है, कौन सा तत्सम है। देख लीजिए आपका तत्सम कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर आलस्य दिया है और आम दिया है, आग दिया है, आसरा दिया है। तो यहाँ पर आपका तत्सम शब्द आपका जो आलस्य है, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा आलस्य। और कह सकते हैं इसका जो आपका तद्भव होता है आलस होता है, क्या होता है, आलस होता है, आलस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं, देख लीजिए आम का होता है आम्र, आग का होता है अग्नि और आश्रय का होता है आश्रय, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का पूछा गया है आपसे, निम्न में से कौन सा तद्भव शब्द है, कौन सा तद्भव शब्द है भाई। देख लीजिए आपका तद्भव शब्द आपका कौन सा है, 169। यहाँ पर आपका सही जवाब आपका क्या हो जाएगा भाई, तो ऑप्शन राइट आपका जवाब हो जाएगा यहाँ पर डी नंबर, जो आपका छत है, ठीक है, छत है, ये आपका यहाँ पर तद्भव है, ठीक है, छत क्या है आपका, तद्भव है। और इसका जो आपका कह सकते हैं तत्सम होता है आपका छत होता है, इस प्रकार से होता है, ठीक है। और यहाँ पर देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि निम्न से कौन सा शब्द देशज शब्द है, कौन सा शब्द देशज शब्द है। तो देशज शब्द जो आपका देख सकते हैं आग है, बच्चा है, फूल है और आपका खिड़की, तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, जो आपका खिड़की है ये आपका कैसा है, आपका देशज शब्द है, कैसा है भाई, तो देशज शब्द। देशज शब्द में देख सकते हैं जैसे आपका लोटा है, थाली है, कटोरी है, गमछा है, झाड़ू है, खिड़की है, खिचड़ी है, ये सब आपके होते हैं आपके देशज शब्द होते हैं, ठीक है, जो देश में जन्मे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि निम्न से विदेशी शब्द कौन सा है, विदेशी शब्द कौन सा है, सॉरी, चलिए जवाब दीजिए भाई, यहाँ पर आपका विदेशी शब्द, तो यहाँ पर देखिए आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर, अमीर, ठीक है। तो अमीर शब्द क्या है आपका, ये विदेशी आपका है, ठीक है।
और विदेशी मतलब होते हैं जो आपके कह सकते हैं विदेशी भाषा से आपकी हिंदी में आए हैं उन्हें कहते हैं। ठीक है, अगला है निम्न से संज्ञा शब्द बताइए। संज्ञा शब्द बताइए, यहाँ पर संज्ञा क्या है आपकी? तो यहाँ पर 172 का जवाब क्या हो जाएगा भाई? जवाब आपका यहाँ पर कह सकते हैं, देखिए संज्ञा और संज्ञा होती है यहाँ पर ए नंबर, तो आपके संज्ञा क्या है आपका यहाँ पर? गंगा है, और गंगा आपके यहाँ पर कह सकते हैं कि एक पर्सनल एक ही होती है, तो व्यक्तिवाचक हो जाएगा आपका गंगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ऑप्शन आपका हो जाएगा यहाँ पर 72 का ए हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है आपसे कि निम्न से सर्वनाम शब्द बताइए, इनमें से बताइए सर्वनाम कौन सा है? सर्वनाम कौन सा है? बहुत ज़्यादा टफ पेपर नहीं रहेगा, ठीक है, तो लगभग लेवल जो हिसाब में होता है, और यही क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं, कोई हम नया अपना टेस्ट पेपर नहीं बनाए हैं, आपके आया हुआ प्रश्न है। तो यहाँ पर निम्न से सर्वनाम शब्द जो आपका है वो आपका कौन सा है? तो 173 का जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट यहाँ पर, सी नंबर हो जाएगा कुछ। कुछ क्या है आपका यहाँ पर? ये आपका सर्वनाम है। ठीक है, सर्वनाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्न में विशेषण शब्द बताइए। विशेषण शब्द पूछा है, यहाँ पर विशेषण कौन सा हो जाएगा? विशेषण बुढ़ापा है, दौड़ है, क्रोध है, शांत है। तो यहाँ पर आपका देखिए जो शांत है, शांत ये आपके यहाँ पर विशेषण हो जाएगा। ठीक है, तो 174 का ऑप्शन राइट आपका कौन हो जाएगा? आपका डी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्न में प्रेरणार्थक क्रिया बताइए। प्रेरणार्थक क्रिया होती है जिसमें प्रेरणा संबंधी होगा जगाना, देख सकते हैं 175 में जो ऑप्शन राइट आपका दिख रहा है बी नंबर। यहाँ पर प्रेरणा मतलब प्रेरणार्थक क्रिया आपकी दो प्रकार होती है, एक होती है प्रथम प्रेरणार्थक और दूसरी होती है द्वितीय प्रेरणार्थक, अर्थात जैसे ऐसे हो गया जगाना। ठीक है, और अगर हम बोले कि भाई उसको तुम जगवाना, जगवाना किसी के माध्यम के द्वारा, तो आप कह सकते हैं द्वितीय में होती है, तो यहाँ पर ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा आपसे निम्न में अव्यय है, निम्न में अव्यय है, तो अव्यय यहाँ पर बताइए कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पर दिया है भारत, श्याम, आह और आपका दक्षिण है। ठीक है, तो किसी भाषा के वे शब्द अव्यय होते हैं जिनमें लिंग वचन पुरुष आदि को हम लोग कोई परिवर्तन नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कह सकते हैं जो आपका जवाब हो जाएगा, तो यहाँ पर है भारत है, श्याम है, दक्षिण है, तो इसका जवाब भाई जो आपका होगा वो आपका यहाँ पर सी होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर कह सकते हैं कि क्या आप कर सकते हैं, आई वह कुछ नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पर आपका कह सकते हैं आंसर जरूर आपका डी है, लेकिन आपका सही जवाब का क्या होगा यहाँ पर? आपका कह सकते हैं सी हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं, गलतियाँ आपकी हो सकती हैं। ठीक है, चलिए आँख का पर्यायवाची बताइए। आँख का पर्यायवाची बताना है, आँख का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? तो आँख के पर्यायवाची होते हैं नयन होता है, नेत्र होता है, चक्षु होता है, विलोचन होता है, दृष्टि होता है, आँखें होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जवाब आपका ए हो जाएगा आपका लोचन। ठीक है, लोचन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, जड़ का विलोम बताइए। जड़ का विलोम, तो भाई जड़ का विलोम क्या होता है? जड़ का विलोम आपका चेतन होता है। ठीक है, डी नंबर आपका हो जाएगा, जड़ का विलोम आपका क्या होता है? चेतन होता है। ठीक है, और यहाँ पर कह सकते हैं कि आपका जो थल का विलोम, तो थल का विलोम जल होता है, मूर्ख का विलोम चतुर होता है, और विद्वान का विलोम आपका अज्ञानी या कह सकते हैं मूर्ख होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं, कह रहे हैं भविष्य में होने वाले के लिए एक शब्द बताना है। भविष्य में होने वाला के लिए एक शब्द बताना है, तो जो भविष्य में होने वाला होता है उसे हम लोग बोलते हैं भावी। क्या बोलते हैं भाई? तो ए नंबर हो जाएगा आपका भावी बोलते हैं, ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा भावी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर आपका दिया है, देख सकते हैं, जो बीता हो बीत चुका हो उसे गत बोलते हैं, जो बीत गया हो उसे विगत बोलते हैं, किसी का अनुभव करना उसे हम लोग आभास बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि अनिल और अनल शब्द युग्म का सही अर्थ बताइए। अनिल अनल शब्द युग्म का सही अर्थ बताइए। 180 का सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब आपका हो जाएगा यहाँ पर देखिए, अनिल अर्थात यहाँ पर आपका हवा और अनल मतलब आग, ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि निम्न से कौन सा शब्द अनेकार्थी है? कौन सा शब्द अनेकार्थी है? 181 का जवाब आपका हो जाएगा कौन सा? तो ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा डी नंबर, आपका जो अर्थ है। ठीक है, तो अर्थ जो होते हैं इसके आपके अनेक आपके पॉइंट निकलते हैं, इसके अनेक नाम से जानते हैं, तो आपका अर्थ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द बताइए। यहाँ पर आपका जो यहाँ पर दिए इनमें से शुद्ध शब्द आपका कौन सा हो जाएगा 182 में? तो 182 का ऑप्शन राइट यहाँ पर जवाब हो जाएगा, यहाँ पर देखिए आपका जो सी नंबर है आपका, ये आपका अध्ययन, ये आपका यहाँ पर सही है। ठीक है, तो इस प्रकार से है यहाँ पर सी नंबर आपका सही हो जाएगा अध्ययन। नेक्स्ट कर आपसे कि निम्न से वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द बताइए। यहाँ पर अशुद्ध पूछा है और अशुद्ध आपका यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? चलिए तो यहां पर देख सकते हैं जो ऑप्शन आपका दिया है कौन सा, तो आपका ऑप्शन जो आपका दिया है सी नंबर ऐतिहासिक। तो
तो भाई ऐतिहासिक नहीं होता है, आपका ऐतिहासिक होता है, ठीक है। क्या होता है भाई? ऐतिहासिक होता है। इस प्रकार से आपका सी गलत हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्न में कर्ता कारक का परसर्ग कौन सा है? तो भाई कर्ता में जो आपका लगता है, कर्ता में जो चिन्ह होता है वो आपका कौन होता है? तो प्रथमा कर्ता ने, क्या होता है भाई? तो ने होता है, जो कि ऑप्शन राइट आपको बी दिया गया है, ठीक है। तो भाई कारक चिन्ह पढ़ लीजिए, कारक से आपके एक दो क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं, निम्न से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? चलिए बताइए पुल्लिंग शब्द क्या है। और यहाँ पर हमने ट्रिक भी बताया था, कैसा और कैसी से अर्थ आप निकाल लेंगे तो आप 100% जीवन में कभी नहीं बोलेंगे। तो यहाँ पर पुल्लिंग शब्द आपका दिया है, देखो नेत्र कैसी है, कब बोलते हैं नेत्र कैसे हैं, तो कैसे शब्द आपको इंगित करता है कैसे को, आपके पुल्लिंग को, ठीक है। और अदर देखा जाए, दया, दया किसकी, ऐसे बोलते हैं ना। प्रार्थना की, वायु कैसी है, ऐसे बोलते हैं। तो कैसा और कैसे से अगर आंसर निकल रहे हैं तो आप आंसर बता सकते हैं, यहाँ पर जवाब आपका हो जाएगा डी नंबर, नेत्र, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, निम्न में स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? स्त्रीलिंग शब्द आपका कौन सा है यहाँ पर? चलिए यहाँ पर 186 जवाब दीजिए स्त्रीलिंग। यहाँ पर देखिए शोभा कैसी है, शोभा कैसी मतलब अद्वितीय शोभा, ऐसे कुछ वर्ड वो लगा सकते हैं। तो यहाँ पर आपका जो ए नंबर है शोभा, ये आपका स्त्रीलिंग है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, किसका प्रयोग सदैव एक वचन में होता है? ये भी प्रश्न काफ़ी अच्छा है और प्रश्न आपके पूछे जाते हैं और बच्चे गलती करके आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सदैव बहुवचन में आप एक वचन में जो प्रयोग करते हैं वो आपकी किसको करते हैं? तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन आपका सी है, बी है आपका प्रत्येक, ठीक है। जो प्रत्येक है आपका क्या, वो आपका कैसा है? आपका बी नंबर आपका सही होगा, एक वचन आपका प्रत्येक, ठीक है। मतलब प्रत्येक मतलब हर एक होता है, मतलब हर एक में, ठीक है। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है कि निम्न से वर्तमान काल का उदाहरण बताइए, वर्तमान काल का उदाहरण बताना 188 में। यहाँ पर 188 का ऑप्शन राइट आपका जवाब क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर 188 का ऑप्शन राइट आपका जवाब हो जाएगा, देखिए वर्तमान काल वह जाता है शब्द मिल गया ना, तो ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर सी हो जाएगा, वह जाता है, सी नंबर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है कि निम्न में कर्मवाच्य का उदाहरण बताइए, निम्न में कर्मवाच्य का उदाहरण आपको बताना है। चलिए कर्मवाच्य का उदाहरण बताइए 189 में। तो यहाँ पर 189 का ऑप्शन राइट, पत्र लिखा जाता है, पत्र लिखा जाता है, अच्छा यहाँ पर कह सकते हैं क्या लिखा जाता है, पत्र। तो यहाँ पर पत्र जो आपका है वो आपका कर्म हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपका कर्म दिया है और आपका ये दिया जो आपका है, ये आपका कैसा है, आपका कह सकते हैं क्रिया है। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि जो आंसर आपका है वो आपका कर्मवाच्य है, तो यहाँ पर कर्म पर फोकस किया गया, कर्ता पर फोकस नहीं किया गया है, तो ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि निम्न से कौन सा वाक्य सरल वाक्य नहीं है, सरल वाक्य नहीं है, 190 बताइए, 190 के यहाँ पर जवाब देना है, सरल वाक्य कौन सा नहीं है? तो यहाँ पर कह रहे हैं लड़का दौड़ता है, ये तो सरल है, बंदर पेड़ पर चढ़ रहे थे, ये भी है, मैंने लड़के को बुलाया भी है, इस लड़के का उद्देश्य है कि व्यापार में वृद्धि हो। तो भाई यहाँ पर किस शब्द आपका लगा है जो कि आपका सरल वाक्य को इंगित नहीं कर रहा है? इस प्रकार से ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा, ठीक है। और हमने आपको बताया था मिश्र वाक्य बताया था ना, तो मिश्र वाक्य पढ़ लीजिए, सरल वाक्य और इनको पढ़ लीजिए, एक नंबर आपको मिल जाएगा आराम से। चलिए मैंने यह काम कर लेना चाहिए वाक्य में अशुद्ध अंश क्या है? मैंने यह काम कर लेना चाहिए, यहाँ पर अशुद्ध अंश क्या हो जाएगा? 191 का ऑप्शन राइट आपका जवाब क्या हो जाएगा? मैंने, मतलब यहाँ पर आपका जो सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है, यहाँ पर मैंने शब्द आपका नहीं होना चाहिए, इसके स्थान पर मुझे होना चाहिए, ठीक है। तो आपका ये नंबर आपका यहाँ पर गलत था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है, अल्प विराम का चिन्ह बताइए, अल्प विराम बताइए, किस प्रकार का आपका अल्प विराम होता है? अल्प विराम, तो याद रखिएगा कि पूर्ण विराम के बाद, पूर्ण विराम के बाद सबसे ज़्यादा आपका लगने वाला आपका अल्प विराम होता है, और ये आपका है जो ऑप्शन आपका बी दिख रहा है ये, ठीक है। और यहाँ पर देख सकते हैं जो आप अल्प विराम ऐसे होता है, अर्ध विराम इस प्रकार से होता है, पूर्ण विराम का इस प्रकार से होता है, और विस्मयादि बोधक चिन्ह आपका इस प्रकार से होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि अंग अंग फूले ना समाना मुहावरे का सही अर्थ बताइए, अंग अंग फूले ना समाना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई? तो यहाँ पर ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा सी, बहुत आनंदित होना, ठीक है। ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा, बहुत आनंदित होना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि अंगारों पर पैर रखना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा, अंगारों पर पैर रखना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा, 194। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई? तो ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा, जोखिम मोल लेना, ठीक है। ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा, जोखिम मोल लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है
कि होनहार वीरवान के होत चीकने पात लोकोक्ति का अर्थ बताना है। चलिए लोकोक्ति हमने कई बार पढ़ाया भी आपको, यहाँ पर 195 का जवाब हो जाएगा, होनहार बालक के गुण बचपन से ही दिखाई पड़ने लगते हैं, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, एक से बढ़कर दूसरे का अर्थ व्यक्त करने के लिए सही लोकोक्ति को बताइए। एक से बढ़कर दूसरे का अर्थ, 96 का जवाब क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर शेर को सवा शेर, ठीक है, ऑप्शन राइट आपका भी हो जाएगा, शेर को सवा शेर बोलते हैं ना कि अगर तुम शेर हो तो हम सवा शेर हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, यहाँ पर मूल पाठ का शब्द जो शब्द होता है अनुवाद जो कहलाता है, मूल पाठ का शब्दांश जो होता है वो आपका जो अनुवाद होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं। 197 का जवाब दीजिए, 197 का ऑप्शन राइट आपका जवाब हो जाएगा यहाँ पर डी नंबर, उसे शब्दानुवाद बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, शब्दानुवाद बोलते हैं। अगला है कि निम्नलिखित में कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है, उत्तर प्रदेश की नहीं है, तो हम लगभग आपको सभी टॉपिक कंप्लीट करा दिए हैं चैप्टर वाइज भी, तो आप उनको भी देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 198 का ऑप्शन राइट आपका ए नंबर, जो आपकी मेवाती है, मेवाती उत्तर प्रदेश की नहीं है, ये आपके राजस्थान की है। ठीक है, और उत्तर प्रदेश में यहाँ पर देख सकते हैं आपकी दी गई हैं बोलियाँ। चलिए अगला है कि प्राधिकारी के लिए सटीक अंग्रेजी बताइए, प्राधिकारी के लिए सटीक अंग्रेजी क्या हो जाएगी, 199 का जवाब दीजिए। तो यहाँ पर अधिकार जो कह सकते हैं कि प्राधिकारी जो आपका है इसका अंग्रेजी अनुवाद हो जाएगा आपका अथॉरिटी, ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर बी हो जाएगा अथॉरिटी। ठीक है, यह ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। वहीं पर देख सकते हैं जो आपका दिया है, अधिकारी का ऑफिसर होता है, स्वामी को लॉर्ड होता है और मालिक का होता है प्रोप्रिलेटर। ठीक है, ऑप्शन आपका मतलब इसका आंसर आपका ये हो जाएगा। अगला है ऑर्डर के लिए सटीक चिन्ह का बताइए क्या होगा, ऑर्डर के लिए सटीक चिन्ह क्या हो जाएगा, 200 का जवाब दीजिए क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट यहाँ पर ऑर्डर अर्थात आदेश हो जाएगा। ठीक है, सी नंबर आपका हो जाएगा आदेश हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से ये हो गया। और यहाँ पर निर्देश देख सकते हैं, तो निर्देश आपका ये दिया गया है और निर्देश कैसे निर्देश आपका ये, निर्देश आपका ये हो जाएगा। ठीक है, तीनों पॉइंट में थोड़ा सा आपका डिफरेंस है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आप लोगों ने फुल टेस्ट लगाया, और याद रखिए ये क्वेश्चन आपके 2018 में क्वेश्चन आपका पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर अपनी तरफ से कोई ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी देखा जाए तो टेस्ट पेपर बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं था, बिल्कुल इजी क्वेश्चन थे और बिल्कुल रट गए हैं। हाँ, उसी के लिए इजी हो सकता है जो आपके हमेशा वीडियो देखते रहते हैं या पढ़ाई करते रहते हैं, हर एक इंसान के लिए इजी नहीं है, बहुत ऐसे बच्चे हैं जो इनमें से 25 ही नंबर लेके आए होंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो इतना ही, आप लोग कमेंट जरूर कर दीजिएगा कितने कितने नंबर आप लोगों के आ पाए हैं। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।